बीच एक और बड़ी खबर दिनेश त्रिवेदी के बारे में, जिन्होंने आज बकायदा बीजेपी में एंट्री कर ली है, शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की है और इसके साथ ही साथ बीजेपी की नीतियों का उन्होंने गुणगान भी किया। क्या कुछ कहा सुनिए जरा। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने बड़े ड्रामेटिक तरीके में राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, तो क्या तब भी बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो राजनीति होती है ना, वो कोई व्यवसाय नहीं होता है, कि लेन देन नहीं होता है। वहाँ आपको अपने मन की बात करनी पड़ती है और मुझे कहीं लगा कि मेरा दम घुटने की बात तो अपनी तरफ है कि मैं बोल भी सका। आज बंगाल की जनता का दम घुट रहा है, वो बोल भी नहीं सकती। जहां कुछ बोलने जाओ मारपीट, तोलाबाजी, कट मनी, वायलेंस, तो दम घुट रहा है आज बंगाल की जनता का। और बंगाल की जनता चाहती थी कि मैं छोड़ दूं या तो कुछ करूं। मैंने बहुत कोशिश की, रातों रात नहीं हुआ, बहुत कोशिश की कि कुछ बदलाव आए, मगर लाचार नहीं हुआ। तभी मुझे लगा कि या तो मैं कुछ कर सकूं टीएमसी में रहकर जनता के लिए, या मैं यहाँ छोड़ दूं, वरना सत्ता की गलियारों में रहना, आलीशान मकान, अब वो राजनीति का ही उद्देश्य होता तो बात अलग है। राजनीति का उद्देश्य वो नहीं है। सैकड़ों लोग अपनी जान देते हैं, हमारे सियाचिन में जो सोल्जर्स हैं ना, हम लोग वहाँ 15 मिनट नहीं खड़े रह सकते। वो क्यों खड़ा है भैया, देश के लिए? एक कोई परिवार विशेष के लिए तो नहीं खड़ा ना, उसके लिए पूरा देश परिवार है। आज उसी लिए हमने जो कहा, हम दिल की बात करेंगे, जनता का परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी। तो जब आप छोड़ रहे थे तब क्या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि भारतीय जनता पार्टी जाके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या उस समय नहीं सोचा? भारतीय जनता पार्टी को हम आज से नहीं जानते, बहुत दिनों से जानते हैं। उनका कल्चर जानते हैं, उनका आइडियोलॉजी जानते हैं, उनका देश प्रेम जानते हैं। तो ये मत समझिए कि आज ही पता चला, वो इतिहास है और सब कुछ इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा है। दिनेश त्रिवेदी क्या क्या कहते आ रहे हैं वो सब कुछ इतिहास में लिखा है। ये मेरे लिए अच्छा है। क्या आप बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव सिर्फ लड़ना ही एक मकसद नहीं होता है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम शामिल हैं। क्या आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेंगे रैलीज के अंदर, क्या आप जाएंगे? देखिए, हर चीज एक प्रक्रिया की तरफ चलता है, जनता के बीच में रहे और हर चीज एक डिसिप्लिन, पार्टी जो तय करती है वही होता है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है ममता बनर्जी अब की बार जीत पाएंगी बंगाल का चुनाव? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी जीत पाएंगी? अब आपके सवाल में ही जवाब है। आपको नहीं लगता? आपके सवाल, आप नहीं तो सवाल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिनेश त्रिवेदी को इस समय ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना अब की बार कठिन रहेगा, और उनका मानना है कि जो बंगाल की इस समय हालत है उसके मद्देनजर टीएमसी छोड़ना ही ठीक डिसीजन था और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। श्वेता पालीवाल आज तक के लिए, कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ।